टेक चैंपियन सपोर्ट, टेक चैंपियन सपोर्ट, टेक चैंपियन सपोर्ट। दोस्तों पूरे यूट्यूब पर यही एक चैनल है दोस्तों कि जो आजकल तहलका मचाया हुआ है, और तहलका क्यों ना मचाए, क्योंकि ये अपने चैनल पर एकदम सही और सटीक जानकारी दोस्तों देते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो बोलते हैं अपने चैनल पर कि मैं बाइक से स्ट्रगल करता हूं और 15 से 20 दिन तक मैं बाहर ही रहता हूं, घर पर नहीं जा पाता हूं, तो ये बिल्कुल रियल बोलते हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनको खुल के सब लोग सपोर्ट करो दोस्तों। ये अभी नया चैनल स्टार्ट किए हैं होप टास्क दोस्तों, अंशु मौर्य जी, तो होप टास्क ये आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किए हैं, छोटे क्रिएटर के लिए ही स्टार्ट किए हैं। और अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो आगे आएँ और इस चैनल पर दोस्तों इतना सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो कि ये तकरीबन रातों रात मिलियन में सब्सक्राइबर्स हो जाए दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो अंशु मौर्य जी हैं ये कभी भी अपने चैनल पर कोई भी गलत नॉलेज नहीं देते हैं दोस्तों, एकदम सही जानकारी देते हैं दोस्तों। और कोई भी देखिए, कोई भी काम करने के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। कहीं भी कोई भी बंदा हुआ अगर कंपनी में काम करता है, देखिए कंपनी में काम करता है तो वो शुरू शुरू में जब कंपनी में आता है तो स्ट्रगल करता है कुछ दिन तक, 2-3 साल 4 साल 5 साल स्ट्रगल करता है, उसके बाद उसको सफलता उसके कदम चूमती है। तो दोस्तों YouTube भी कुछ इसी प्रकार से काम करता है। जब YouTube पर आप पूरे मन लगा करके, पूरे मेहनत लगा करके जब काम करोगे तो यार आगे क्यों नहीं बढ़ोगे, लेकिन आप लोग खुद ही मेहनत लगा के काम नहीं करना चाहते हैं। कई यूट्यूबर्स को मैं देखा हूँ, छोटे जो क्रिएटर होते हैं मात्र 3 वीडियो अपलोड करेंगे यार, 3 वीडियो अपलोड करने के बाद में वो यूट्यूबर से मिलने चले जाते हैं। अब मिलने के बाद में उनसे बोलते हैं कि सर मेरा जो वीडियो है वो प्रमोट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं आज जो ये मेरा चैनल है इंडियन टेक, ये तकरीबन 3 से 4 महीने हो गया इसको अभी स्टार्ट किए हुए, लेकिन मैं कभी भी किसी भी यूट्यूबर से मदद नहीं मांगा हूँ कि सर मेरा जो चैनल है उसको प्रमोट कर दीजिए। क्योंकि यार मैं, आप खुद देखो यार, जो छोटे क्रिएटर हो अगर आप, तो खुद देखो कि मेरे में क्या गलती है, कहाँ पर अगर ऑडियंस आ रही है, पूरा जो पूरा डेटा है वो आपका YT स्टूडियो में दिखा देता है। तो YT स्टूडियो जब आप ओपन करोगे तो उसमें खुद देख सकते हो यार कि ऑडियंस मेरे चैनल पर क्यों नहीं रुक रही है, मेरे में क्या खराबी है। तो दोस्तों उस चीज़ को पकड़ो आप, जब उस चीज़ को पकड़ लोगे तो ऑटोमेटिक आपको ऑडियंस सब्सक्राइब करना शुरू कर देगी, किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखिए, मैं कभी भी किसी, कोई भी बड़े यूट्यूबर्स के पास में नहीं गया हूँ, मैं कभी भी किसी से मदद भी नहीं मांगा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चैनल अभी इस समय ग्रोथ में है दोस्तों, धीरे 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 उसका रैंक बढ़ रहा है। यही है कि एकदम स्लो हो रहा है, लेकिन हो रहा है, तो स्लो ही हो रहा है यार, 1 साल 1.5 साल 2 साल में होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। जब मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर पूरे मन लगा के मेहनत कर रहा हूँ तो यार सफलता तो होना ही होना है, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं होना है। तो दोस्तों ये अंशु मौर्य जी जो होप टास्क खोले हैं ये छोटे क्रिएटर के लिए ही खोले हैं दोस्तों, और ये होप टास्क पर आप लोगों का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के जरिए से आप लोगों को प्रमोट करेंगे जो अच्छे यूट्यूबर्स होंगे। और इनका मुझे कैटेगरिया बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया दोस्तों। इनका जो कैटेगरी है तो इस टाइप का है कि आप लोग जो 2 साल 3 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को खाली ये प्रमोट करेंगे, और दूसरे जो 2 महीने से 1 महीने से 1-2 वीडियो डालकर प्रमोट करवाते हैं उनको ये प्रमोट नहीं करेंगे। तो होना भी चाहिए यार, क्योंकि जो मेहनत नहीं करता है उसको प्रमोट करके क्या फ़ायदा है, जब उसके पास नॉलेज ही नहीं है। ओनली पैसे के लिए आप YouTube पर आ रहे हो, जब आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो YouTube पर आके क्या मतलब है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यही है जो होप टास्क का चैनल है, यही है, इस पर दोस्तों जो नए क्रिएटर हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें और इनको खुल के एकदम सपोर्ट करें। और ये बहुत, अंशु मौर्य जी बहुत अच्छे इंसान हैं दोस्तों, और ये कभी भी अपने फायदे के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।